मूंगफली अनुसंधान निदेशालय देश में मूंगफली क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। ICARDGR नई तकनीक विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है और इस संदर्भ में एक तकनीक विकसित की गई है जिसका वर्णन हम इस वीडियो के द्वारा करेंगे। मूंगफली में सफेद लट का समन्वित प्रबंधन। सफेद लट एक गंभीर कीट है जो बलुई दोमट एवं हल्की लाल मृदाओं में सामान्यतः ज्यादा होता है। सफेद लट मूंगफली की जड़ों को खाती है जिससे पौधे पंक्ति में सूखने लगते हैं और मर जाते हैं। मूंगफली में इसकी अधिकतम क्षति अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान होती है। इस कीट की दोनों अवस्थाएं भृंग एवं लट नुकसान पहुंचाती है, इसलिए कीट की दोनों अवस्थाओं को नियंत्रण करना अति आवश्यक है। पहली वर्षा के तुरंत बाद पोषी वृक्षों यानी खेजड़ी बेर नीम पर इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL की 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा कार्बेरिल 50 WP की 4 ग्राम प्रति लीटर पानी अथवा क्यूनाल फास 25 EC की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर कीटनाशी रसायन का छिड़काव भृंगों को नियंत्रण करने के लिए करना चाहिए। कीटनाशी रसायन छिड़काव की सुविधाओं नहीं होने पर रात को पोषी वृक्षों को डंडे से हिलाकर नीचे गिरी हुई भृंगों को एकत्रित करके मिट्टी के तेल मिले पानी में डालकर नष्ट कर दें। भृंगों को आकर्षित करने के लिए वर्षा के तुरंत बाद से लगभग एक सप्ताह तक शाम को पोषी वृक्षों के ऊपर 4-5 फेरोमोन मिथॉक्सी बेंजीन यानी एनिसोल स्पंज लगाना चाहिए। सफेद लट से बचने के लिए बीज उपचार सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसके लिए क्लोथियानिडिन डेंटोटसू 50 WDG की 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज अथवा इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL की 3 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज अथवा इमिडाक्लोरपिड 600 FS की 6.5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा से उपचारित करना चाहिए एवं उपचारित बीजों को छाया में सूखने के बाद 2-3 घंटे में ही बुआई करें, अन्यथा बीज अंकुरण प्रभावित होगा। सफेद लट का नियंत्रण केवल इसके जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में ही संभव है, जो कि करीब अंडे देने के 2 सप्ताह अथवा भृंग निकलने के लगभग 20 दिन तक रहती है। इसलिए खड़ी फसल को सफेद लट से बचाने के लिए सिंचाई के साथ इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL की 300 मिलीलीटर अथवा क्यूनाल फॉस 25 EC की 4 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। गर्मी के दिनों में भूमि की गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे मिट्टी में छिपे हुए भृंग अवस्थाएं नष्ट हो जाएं।